हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की पाठशाला में मैं पंकज वर्मा, ग्राउंड डायरेक्टर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमने आपको जो पकड़ा है आपके लिए है, वो है टॉपिक आपको अंदर तक हिला देने वाला। दोस्तों, आज हमको बताना आपको है कि ये बिजनेस हमने क्यों किया और आप क्यों करो इस बिजनेस को। दोस्तों देखो, एक बात समझ लीजिए कि इस बिजनेस को बहुत से लोग हैं ना, बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। मैं देखता हूँ, मेरे से बहुत से लोगों से बात होती है, डेली मेरे से लगभग 500 लोगों से बात होती है, और उनके विजन बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे विजन हैं। इस बिजनेस को डेप्थ अगर जिस दिन बंदा समझ जाएगा ना, उस दिन आपको बिजनेस करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सब कुछ कर जाओगे यार तुम। क्योंकि एक बार आपका वाई क्लियर हो गया ना, उसके बाद तुम्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा। जैसे आज तक मुझे कोई नहीं रोक पाया, वैसे आपको भी नहीं कोई रोक पाएगा। बिजनेस को कैसे करना है वो तो आज नहीं तो कल समझ जाओगे आप। कैसे करना की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है किसी के सामने। जब तक क्यों आपका क्लियर नहीं है, तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। ये मेरा चैलेंज है। तो आज हम आपको समझाएंगे, आज हम बताने की कोशिश करेंगे, आपको आपके अंदर तक झांकने के लिए मजबूर करेंगे कि आप कम से कम ये चीज़ तो समझ लो। बिजनेस आप करो या ना करो आप लोग, लेकिन इतना समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपने बिजनेस नहीं किया तो आपने क्या खो दिया। जिंदगी भर आपको कम से कम पछताने को तो हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, सभी लोग आज की डेट में अमीर और कामयाब होना चाहते हैं। शायद कोई ऐसा बंदा होगा जो अमीर और कामयाब होना नहीं चाहता है, लेकिन सभी को ये पता है कि नौकरी से आज तक कोई भी व्यक्ति दुनिया में अमीर और कामयाब नहीं हो पाया। अगर एक नंबर की नौकरी करता है तो एक नंबर पैसे की बात करता हूँ मैं। नौकरी से अमीर और कामयाब हुआ जा नहीं सकता है। और बिजनेस आज की डेट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो सबके सब 4-5 साल के अंदर अंदर बंद होते नजर आते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों की रातों की चैन की नींद हराम हो चुकी है। जितने लोग हमारे ग्रुप में बिजनेस करते हैं, उनको उन पर जरा तहे दिल से जाके पूछना कि कितना प्रॉब्लम होती है, कितनी उधारी हो चुकी है, कितना माल डंप करके रखा हुआ है, कितना कंपटीशन मार्केट में आ चुका है, चैन की नींद सोना उनको मुश्किल हो चुका है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और उसके बावजूद भी हमारे पास ख्वाब कौन से हैं अमीर और कामयाब होने के। और अमीर और कामयाबी का हम लोगों को जो सलूशन दिखता है, खुद को और या अपने बच्चों के लिए या अपने अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हमारे घर में घर परिवार रिश्तेदार नातेदार सभी लोगों को क्या दिखता है कि बेटा अच्छी सी पढ़ाई कर लो और अच्छी सी नौकरी कर लो। वही नौकरी, वही नौकर बनने की प्रक्रिया जो सालों से चली आ रही है घरों में, और वही हम लोगों को भी सिखाया जाता है कि नौकर बन जाओ। क्यों नहीं सिखाया जाता कि एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, मालिक बन के काम करो। मालिक बनने के लिए पैसा लगेगा, इसलिए अपनी हवा खराब हो जाती है। पैसा अपने पास है नहीं इतना, अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप करोड़पति बन सकते हो। सॉरी, करोड़पति बन सकते हो नहीं, आपके हमारे यहाँ पर वेस्टीज के अंदर ही नेटवर्क मार्केटिंग की, मैं तो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूँ, लेकिन वेस्टीज केवल एक वेस्टीज सेक्टर को ले लें तो यहाँ पर एक नहीं सैकड़ों लोग करोड़पति बन चुके हैं, जिसका कि पूरी तरह से प्रमाण हमारे पास है, वेस्टीज के पास है, इंटरनेट के पास है। आज की डेट में लोग 66 लाख रुपए महीने भी हमारे यहाँ पे कमा रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहाँ पर करोड़पति बना जा सकता है और बड़ी आसानी से, और वही करोड़पति लोग हमको करोड़पति बनने का तरीका भी बता सकते हैं। अगर किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग करोड़पति बन सकते हैं तो वो अपने सीक्रेट्स कभी आपको आउट नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐसा है कि आपको सारे सीक्रेट्स आउट कर दिए जाते हैं कि कैसे आपको आगे सक्सेस होना है, कैसे आपको आगे करोड़पति बन सकते हो। यहाँ पर रह करके आप पूरी दुनिया में भ्रमण कर सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो। यहाँ पे आपको इतनी सक्सेस मिलेगी कि आपको फेमसिटी बहुत मिलती है। यहाँ पर कितना फेमस हो जाओगे कि लोग खुद आकर के आपके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आपसे चिपकना शुरू हो जाएंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे, आपसे सलाह लेंगे, आपसे अपना कैरियर काउंसलिंग करवाएंगे, आपसे आपको ये पूछेंगे कि सर कैसे आपने काम किया है, कैसे आपसे सलाह तो छोड़िए,
आपको काम करने के जो जो तरीके आप बताओगे उस सलाह देने के भी पैसे मिलेंगे आपको। सोचो साहब, एक चीज़ और भी है कि आप रहें ना रहें उसके बावजूद भी आपको पैसे आएंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो, इन चीज़ों के लिए काम करना है। लोग सोचते हैं कि मेरे को साबुन तेल मंजन बेचने के लिए काम करना है। बहुत छोटी सोच लेकर बिजनेस में घुसते हैं लोग, कुछ लोग, और छोटी सोच लेकर के ही लोग बाहर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, एक बार झांक के देखो कि क्या उस काम को करते करते अगर आप इस दुनिया से चले गए तो आपके बच्चे क्या वहीं पर से अपना काम शुरू कर पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, प्रोफेशन में, किसी प्रोफेशन में है, अगर उसके जाने के बाद क्या उसके बच्चे उसी लेवल से उसको उसके बिजनेस को या उसकी नौकरी को ओन कर पाएगा? कभी भी नहीं। अगर इंजीनियर है, अगर मैनेजर है, या जीएम है, या डीजीएम है, या वाइस प्रेसिडेंट है, तो अगर वो चला जाता है तो उसका बेटा कभी वाइस प्रेसिडेंट से उसकी नौकरी शुरू नहीं होगी। नौकरी तो उसकी दोबारा से असिस्टेंट इंजीनियर से ही शुरू होगी। कोई डॉक्टर है, सर्जन है, उसका अगर हाथ कट जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, दुनिया है, अगर उसका हाथ कट जाता है तो वो सर्जन एकदम से जीरो हो जाता है। अपने बेटे को ये नहीं कह सकता कि तू सर्जरी कर दे मेरी जगह पे, क्योंकि उसका तजुर्बा अलग है, इसका तजुर्बा अलग है। तो इसका मतलब समझ में आता है कि कोई भी प्रोफेशन हमको ट्रांसफर नहीं करता, अपना ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने बच्चों को। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जिस पोजीशन में हो, अगर आप डायरेक्टर हो, आप क्राउन हो, आप यूसीडी हो, आपके जाने के बाद आपके नीचे जो भी बंदा है उस, या आपका जो नॉमिनी है उसको सेम लेवल से आपको बिजनेस, आप उसको ट्रांसफर हो जाता है, उसको मिल जाता है। यहाँ पर आपको देखो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आपको विदेश यात्रा मिलती है, आपको लग्जरी गाड़ियाँ मिलती हैं, आपको बड़े बड़े घर आप बना सकते हो, हाउस फंड मिलता है हमारे यहाँ, कार फंड मिलता है, सब कुछ। ये सारी चीज़ें आप अदर नौकरियों में भी पा सकते हैं, अदर बिजनेस में भी पा सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ नहीं पा सकते हैं, साथ में टेंशन बहुत मिलेगी। अगर कोई भी कंपनी आपको विदेश में जाने का मौका देती है, बहुत से लोग होते हैं जो देखते हैं कि तो मेरी कंपनी की तरफ से मैं आज सिंगापुर जा रहा हूँ, आज मैं जापान जा रहा हूँ, लेकिन सोचो वहाँ पर कंपनी ने भेजा है ना, तो तुमको वहाँ पर काम करने के लिए भेज रही है, घूमने के लिए नहीं भेज रही है। लेकिन वेस्टीज में अगर आप काम करते हो तो यहाँ पर आपको घूमने के लिए मिलता है, आपको वहाँ मस्ती करने के लिए भेजा जाता है। यह दोस्तों, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरी एक चीज़ और भी मुझे समझ में आई इस बिजनेस के अंदर, कि जितने भी विकसित देश हैं आप देखेंगे, नेट पे ढूंढिए तो जो फॉरनर्स हैं उनको, जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि अगर टीम बनाओगे, नेटवर्किंग करोगे, ये बहुत पहले समझ में उनकी आ गई थी, आज से 50-100 साल पहले समझ में आ गई थी। तो अगर आप नेटवर्क करोगे, टीम बनाओगे, तो आप आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो। 70% लोग, 70% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं फॉरन में, और हमारे यहाँ के इतने हो जितने होशियार लोग होते हैं, होशियार तो हम उनको कहते ही हैं क्योंकि इज्जत देना पड़ता है, वो होशियार लोग सब जाकर के उन अंग्रेजों के यहाँ जाकर के नौकरियाँ करना पसंद करते हैं। बहुत से लोग फक्र से बोलते हैं कि मेरा बेटा आज अमेरिका जा रहा है, वहाँ उसकी जॉब लग गई है। अरे, उनको ये नहीं पता कि आज़ाद देश का नागरिक को तुमने वहाँ जाके गुलामी करने के लिए भेज दिया। एक आज़ाद देश का लड़का जो वहाँ यहाँ पर आज़ादी से रह रहा था, यहाँ आज़ादी से काम कर सकता था, उसको तुमने फिर से जाके उन्हीं अंग्रेजों के पास जा करके गुलामी करने के लिए भेज दिया, नौकरी करने के लिए भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि हम गुलामी से बाहर निकलें और जल्दी से जल्दी अपनी टीम बनाएं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले आज भी मैंने एक पोस्ट किया था अपने ग्रुप के ऊपर, एक लेटर पोस्ट किया था जिसमें कि किसी कॉलेज से हमारे डायमंड डायरेक्टर को बुलाया गया था लेक्चर देने के लिए। इसके पहले हमने 2-3 दिन पहले भी एक पवन मलिक जी का मैंने पोस्ट किया था, वो उनको भी किसी यूनिवर्सिटी ने एज ए गेस्ट फैकल्टी बुलाया था। आज की डेट में हमारे देश में लगभग 4 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का स्टडी, नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रेजुएशन चालू कर दिया है। उन नेटवर्क मार्केटिंग का जो ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे हैं वहाँ, उनके लिए टीचर कहाँ से लाएंगे? ये टीचर्स तो हम ही आप लोग होंगे, जो लोग डेवलप होकर के ऊपर आ जाएंगे, जो क्राउन डायरेक्टर, एम्बेसडर, यूसीडी, डीयूसीडी बन जाएंगे, ये लोग पारंगत हो चुके हैं इस फील्ड में, इनको ये लोग बुलाएंगे और बुला करके ये
ये लोग हमको लोगों को पैसा भी देंगे, आपको हमको पैसा भी देंगे, इज्जत से बुलाएंगे भी और गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाएंगे, हमको नौकरी तो ये करवा नहीं सकते क्योंकि नौकरी तो हमें करनी नहीं है, और वहाँ पर जाकर के हम लेक्चर देंगे, अपना इज्जत भी लेंगे, पैसा भी लेंगे, और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर हम जाएंगे जब तो अपना बिजनेस भी वहाँ जोड़ के आएंगे, क्योंकि जो लोग हमसे नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए बुलाया जाएगा तो उनको भी तो जोड़ेंगे हम, तो उनको भी जोड़ के आएंगे, चिंता मत करिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं कहता हूँ कि पूरी ताकत झोंक दो, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 साल लगने हैं इस बिजनेस के अंदर, और 1 से 2 साल के अंदर आप कमाल कर सकते हो। दोस्तों देखो अभी एक ग्रुप में एक किसी सज्जन ने एक पोस्ट किया है थोड़ी देर पहले ही, लगभग 7-8 बजे के आसपास एक वीडियो डाला है जो सोनू शर्मा जी का वीडियो है, जो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। सोनू शर्मा जी एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में है पिछले कई सालों से, और वो नेसुस की नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेसुस जहाँ पर लोगों को टूर एंड ट्रेवल्स के लिए प्रमोट किया जाता है। तो मैं उनको अपना बहुत ही आदर्श मानता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं उनसे मिल भी चुका हूँ सोनू शर्मा जी से। तो मैं बताता हूँ कि उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, उस वीडियो में जो चीज़ें बताई हैं उनको मैं समराइज कर देता हूँ कि अगर आप 10 साल नौकरी कर लेते हो, 10 साल दुकान चला लेते हो, तब भी आपको आपको जिस दिन आपकी नौकरी छूटती है उसके बाद में एक भी दिन के लिए आपको पैसा नहीं मिलता है। दोस्तों हम एक चीज़ समझ में आई थी कि जो अपने अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी डी, तो इसमें भी देखो वहाँ से भी हमको मैसेज निकाल मैंने निकाला था कि बी सी डी, बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ, बर्थ और डेथ आपके कंट्रोल में नहीं है, जो बीच में आता है सी, सी फॉर चॉइस, आपके पास चॉइस आपकी है कि आप इस अपने जीवन में बर्थ और डेथ के बीच में जो जीवन मिला है उस जीवन को आप किस तरीके से निकालना चाहते हो, दैट इज चॉइस फॉर यू, आप चूज करिए कि आप क्या करना चाहते हो इस जीवन के अंदर। तो टीम टीम बनाने की बात कही सोनू शर्मा जी ने, उसके लिए मैं एक चीज़ बताऊँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है, स्टोरी में उनकी हकीकत है उनके वहाँ पर कि किसी बंदे की डेथ हो जाती है, उसके बाद में उसकी फैमिली को आज भी पैसा आ रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने बताई थी। यही सेम कहानी मैं आपको छोटी सी बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर भी एक अपने ग्रुप में ही एक लेडी है जो कि लीडिंग लेडी है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन उनके बारे में ज़रूर बताऊँगा कि उससे आपको बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी। हमारे यहाँ पर एक लेडी है जिनके हस्बैंड किसी कंपनी में जीएम थे, जनरल मैनेजर की पोस्ट पे थे, हमारे ऐसे ग्रुप में कई लोग हैं जो उनको जानते हैं, और उनके हस्बैंड जनरल मैनेजर थे और वो किसी न किसी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी की वजह से वो उनका लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया। ऐसा हो जाने के बाद उनकी जो फैमिली थी वो एकदम से जो है शॉक हो गई, और जितना भी उनको इनकम आ रही थी वो सारी की सारी इनकम उनकी जीरो हो गई। दोस्तों उनकी फैमिली जो लग्जरियस लाइफ जी रही थी आज की डेट में उसके, वो पूरी की पूरी जीरो पे हो गई। उनकी वाइफ को आज जाके नौकरी करनी पड़ रही है, वो जनरल मैनेजर थे लेकिन उनकी वाइफ को जीएम की नौकरी नहीं दी गई, उनकी वाइफ को कोई एक असिस्टेंट के रूप में कहीं पर नौकरी दी गई है, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका और ना ही उनकी पोस्ट का नाम लूंगा, लेकिन इतना समझ में आता है जो लेडीज लग्जरियस लाइफ जी रही थी आज वो नौकरी करने के लिए मजबूर है, वो भी बहुत ज़्यादा पैसों की नहीं, मुश्किल से 10-20-50, 10-20-30 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए आज वो उनको जाके सर्व करना पड़ता, बच्चों को घर पे छोड़ना पड़ता है, जो जो लेडी कभी इस तरह का कभी सोचा नहीं था उसने, आज उसको नौकरी करना पड़ता। अगर अगर कोई व्यक्ति इनके जैसा होता और नेटवर्क मार्केटिंग में होता, उनकी टीम होती, तो शायद उनको नौकरी नहीं करनी पड़ती, टीम की वजह से उनको पैसे आते रहते, एक नेटवर्क बिल्ड करके चले जाते, तो शायद आज उनको बहुत अच्छे पैसे आ रहे होते। तो दोस्तों जो गलतियां लोगों ने कर दी हैं हमको उनसे सीख लेनी चाहिए, कम से कम वो गलतियां आज हम लोग तो ना करें, बेहतर है कि हम सब लोग अपना अपना टीम बनाएं और टीम बना करके उसमें अच्छे से काम करें। देखो दोस्तों सोनू शर्मा जी बोलते हैं कि आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, हम जो भी चीज़ें आपको मोटिवेशन देते रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप रिजल्ट नहीं निकालते, रिजल्ट निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी ट्रेनिंग, हमारी पाठशाला, कंपनी के सेमिनार, अवार्ड फंक्शन, CNT, ये सब कुछ बेकार है आपके लिए, क्योंकि तो सुबह जब उठते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, शाम को आप जब सोते हो तो आपको आपकी ही शामें पूछती हैं, आपकी रातें पूछती हैं कि दिन भर में तूने किया क्या लाइफ के लिए।
तो कम से कम अपने जो आप काम कर रहे हो उसके लिए तो आप अकाउंटेबल हो ही, लेकिन जो आप काम कर सकते थे और आपने वो काम नहीं किया, आप उसके लिए भी अकाउंटेबल हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और सुरेश शर्मा जी बोलते हैं कि इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर एंड प्रिवेंट रादर देन रिपेयर एंड रिपेंट। हाँ दोस्तों, अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने आप को प्रिवेंट करिए और रिपेयर और रिपेंट से बचिए। दोस्तों ये बहुत ही पवित्र बिजनेस है, इसको आप बहुत ही शिद्दत से इस बिजनेस को करें, क्योंकि इसकी खुशबू आपके जाने के बाद भी रहने वाली है। दोस्तों अपने आप को टेक केयर करें, अच्छे से आप बिजनेस डेवलप करें, अपने आप को अकाउंटेबल करें, और लास्ट में ये कहूँगा कि जो लोग सोए हुए हैं उनको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो लोग सोने का नाटक कर रहे हैं उनको तो कोई भी नहीं जगा सकता। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जागें अपने भविष्य के प्रति। आज आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इस बिजनेस को करें तो क्यों करें, आखिर अपने फ्यूचर के लिए करें, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करें, ना कि केवल साबुन तेल मंजन बेचने के माइंडसेट से करें। साबुन तेल मंजन बेचना होता तो हम दूसरे काम कर लेते, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आते। साबुन तेल मंजन एक जरिया है हमारे इस बिजनेस में घुसने का, बाकी हमारा जो बिजनेस है वो एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने का ये बिजनेस है। इसको अच्छे से करिए, जो भी चीज़ें समझनी है हम लोग उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर कि जो बंदा हम या फिर निकू जी हैं, राहुल मकरानी जी हैं, रात दिन लगे हुए हैं आपके ऊपर, आपके लिए, सिर्फ आपको लोग, आप लोगों के लिए जितनी मीटिंग्स करते हैं, जितने आप लोगों को सर्विस देते हैं, हमारे पास, हम लोगों का हजारों लोगों की टीम है, हम सभी लोगों को हैंडल करते हैं, वो हैंडल करने की ताकत हम आपको दे रहे हैं आज की डेट में। आप उसको आजकल हल्के में ले रहे हो। बहुत से दोस्त आपको मिलेंगे ऐसे मार्केट में जो लोगों को नेटवर्किंग में वो लोग आ गए हैं, चाहते हैं नेटवर्किंग करना, उसके बावजूद भी उनकी अपलाइन उनको सपोर्ट नहीं करती है, वो उनकी अपलाइन को कुछ एजुकेशन नहीं दे रही है, वो लोग तरस रहे हैं एजुकेशन के लिए। हमारी टीम में हम लोग भर भर के आपको एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही, काफ़ी लोगों को समझ में आ भी रही है, करते हैं बहुत से लोग, लेकिन मुझे भी मालूम है रेशियो लगभग 20% का ही रहता है, लेकिन एटलीस्ट 20% में आपका नाम तो होना ही चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस पाठशाला को जो आज आपने सुना है, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप फीडबैक दें या ना दें, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आया है तो आपके हाथ वैसे भी रुकने वाले नहीं हैं आज फीडबैक देने से पहले। तो आप अपने आप को बिल्ड करिए। विश यू वेल्थ।